हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब आप लोग के सामने है बिजनेस स्टडी का जो MCQ पार्ट वन बताए थे बच्चों, 1 से लेके 100 तक क्वेश्चन उसमें था। आज आप लोग को इस वीडियो में बताने जा रहे हैं बच्चों 101 नंबर से, ठीक है। अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं बच्चों, तो हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दे रहे हैं, आप लोग जाके उसको देख लीजिएगा बच्चों। लेकिन एक काम आप लोग को करना है बच्चों, अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है, और वीडियो को लाइक करने में कंजूसी नहीं करना है बच्चों, क्योंकि आप लोग के लिए ही बच्चों मेहनत किया जा रहा है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं, आप लोग का एग्जाम भी बहुत जल्द है, तो मेरा आशा है कि इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग का आएगा, ठीक है। तो कंट्रोल इज ए मैनेजमेंट, ठीक है, क्या है बच्चों, कंपल्सरी एंड नेसेसरी, ठीक है। मैनेजमेंट के लिए कंट्रोल बहुत ही जरूरी है और आवश्यक है। नेक्स्ट क्या लिखता है, मैनेजमेंट कंट्रोल इज डन किसके द्वारा किया जाता है बच्चों, मैनेजमेंट कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है, तो बाय लोअर लेवल मैनेजमेंट, जो सबसे नीचे में मैनेजमेंट होता है। कंट्रोलिंग इज द एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, क्या है बच्चों, मेंटल मानसिक क्रिया है ये। इफेक्टिव कंट्रोलिंग क्या होता है बच्चों, द स्टेटिक प्रीडिटरमाइन, हम प्रीडिटरमाइन होना चाहिए, डायनेमिक होना चाहिए, ठीक है, स्थिर होना चाहिए, पहले से निश्चित होना चाहिए और गतिशील होना चाहिए। कंट्रोल इज द फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, लास्ट, ठीक है, लास्ट फंक्शन है बच्चों मैनेजमेंट का। कंट्रोलिंग इज रिलेटेड टू किसे रिलेटेड है बच्चों, रिजल्ट से, क्या रिजल्ट हुआ। नेक्स्ट का क्वेश्चन आप लोग के पास है बच्चों, कंट्रोलिंग इज नेसेसरी फॉर ऑल टाइप बिजनेस, छोटा हो, बड़ा हो, मिडिल हो, किसी तरह का बिजनेस हो, सभी के लिए बच्चों कंट्रोलिंग जरूरी है। कंट्रोलिंग इज एन एक्टिविटीज किसका है बच्चों, कॉस्टली, ठीक है, कॉस्टली पड़ता है थोड़ा। द फाइनेंस मैनेजर मेक डिसीजन, इन्वेस्टमेंट भी के थ्रू ले सकता है, इन्वेस्टमेंट के लिए भी डिसीजन ले सकता है, फाइनेंस के लिए भी डिसीजन ले सकता है, और डिविडेंड के लिए भी डिसीजन ले सकता है। मॉडर्न अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन्वॉल्व, मॉडर्न जो अप्रोच है बच्चों मैनेजमेंट, उसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, प्रोक्योरमेंट और यूटिलाइजेशन, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, फंड्स आर रिसीव बाय इंटरप्राइजेज, फंड जो रिसीव्ड होता है इंटरप्राइजेज के द्वारा, वो क्या क्या है, जैसे फंड फ्रॉम ऑपरेशन, इशू ऑफ शेयर, सेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स, ये सब तीनों से क्या होता है बच्चों, फंड रिसीव होता है। नेक्स्ट है, ट्रेडिशनल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाज डिस्कवरिंग ड्यूरिंग, कब डिस्कवर हुआ था ट्रेडिशनल, 1930 से लेके 1940 के बीच में। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आ रहा है, लेकिन वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब करने नहीं भूलिएगा, आप लोग से यही एक रिक्वेस्ट है, ठीक है बच्चों। चलिए शुरू करते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर्स रिफर्स टू रिलेशनशिप बिटवीन लॉन्ग टर्म कैपिटल एज अदर रेशियो, ठीक है, अदर रेशियो में जिस प्रकार से रहता है उसी तरह से कैपिटल स्ट्रक्चर भी होना चाहिए। कैपिटलाइजेशन रिफर्स टू टोटल ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल। नेक्स्ट है, ऑन कैपिटल मतलब जो ऑनर का जो कैपिटल होता है, क्या क्या होता है, इक्विटी प्लस प्रिफरेंस शेयर प्लस रिजर्व। नेक्स्ट है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैपिटल, दो, फिक्स कैपिटल रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म, जो हम लोग फिक्स कैपिटल बच्चों लॉन्ग टर्म के लगाते हैं, और करंट एसेट्स क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए, ग्रोस वर्किंग कैपिटल यहाँ पर है। सुनिए बच्चों, अब आप लोग अगर इसका सेट वन जो हम पहले अपलोड किए थे बच्चों नहीं देखे हैं, तो फिर से एक बार बोल रहे हैं, हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे बच्चों, 1 से लेकर 100 तक आप लोग जाके उसमें देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया गया बच्चों, पहले इतना अच्छे से कर लीजिए, प्रैक्टिस सेट है, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग का तैयारी भी हो जाएगा, और इससे बहुत सारा क्वेश्चन भी बच्चों आता है, हमेशा एग्जाम में आते रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का जाता है, वर्किंग कैपिटल शॉर्ट टर्म होता है, ठीक है, करंट एसेट्स और माइनस करंट लाइबिलिटीज मतलब क्या होता है वर्किंग कैपिटल, हम पहले भी हम लोग पढ़े थे। न्यू शेयर इशू ऑफ किस शेयर ऑर्गेनाइज मार्केट में इशू किया जाता है, मनी मार्केट क्या करता है बच्चों, शॉर्ट टर्म फंड में डील करता है, और क्रिएट्स लिक्विडिटी, ठीक है, सेकेंडरी मार्केट में लिक्विडिटी क्रिएट होता है। कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनाइज मार्केट, ठीक है, जो ऑर्गेनाइज मार्केट का उसका कंपोनेंट क्या है बच्चों, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कॉमर्शियल बैंक और स्टॉक मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन न्यू शेयर इशू डील्स इन प्राइमरी मार्केट, ठीक है बच्चों, कहाँ पर होता है, प्राइमरी मार्केट में। कैपिटल मार्केट क्या डील करता है, शॉर्ट टर्म। हेड ऑफिस सेबी का कहाँ है बच्चों, मुंबई में। फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया कहाँ पर खुला, कब खुला था, 1875 में। द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज वाज एस्टेब्लिश्ड इन, कब, लंदन में, कहाँ हुआ था बच्चों, लंदन में सबसे पहले खुला था। द नंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन 2004 कितना है बच्चों, 24।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। द फ्यूचर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, ये तो जान ही रहा ब्राइट होगा। द स्टॉक एक्सचेंज प्रोटेक्ट, किसका प्रोटेक्ट करता है बच्चों? तो इन्वेस्टर का, जो पैसा इन्वेस्ट करता है। लीगली सेबी कब एस्टेब्लिश हुआ था? तो 1992 में। शेयर मार्केट डील क्या करता है बच्चों? सिक्योरिटी का डील करता है। मनी स्पेंट ऑन मार्केटिंग इज एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है। मार्केटिंग किस पर बर्डन पड़ता जानते ही आप लोग, एनी हाउ कस्टमर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फॉर बिजनेस मार्केटिंग इज नेसेसरी। वह बिजनेस सब कुछ में नेसेसरी जरूरी है क्या? मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज प्रोडक्शन। मार्केटिंग जो करते हैं बच्चों, प्रोडक्शन से रिलेटेड मार्केटिंग करते हैं। सेल्स और कस्टमर्स ओरिएंटेड होता है, ठीक है, प्रोडक्शन सेल्स और कस्टमर। द बर्थ प्लेस ऑफ मार्केटिंग, कहाँ हुआ था मार्केटिंग मैनेजमेंट का जन्म? अमेरिका में। बेसिस ऑफ मार्केटिंग आर मार्केट, कस्टमर और सेलर, यही तीनों को मिला के मार्केटिंग किया जाता है। द फीचर्स ऑफ गुड ब्रांड क्या होना चाहिए? नाम शॉर्ट होना चाहिए, मेमोरेबल होना चाहिए और अट्रैक्टिव होना चाहिए। लेबलिंग इज नेसेसरी। नेक्स्ट, मैक्सिमम वाइड स्कोप किसका है बच्चों? पैकिंग का। द फैक्टर अफेक्टिंग प्रोडक्शन मिक्स आर, कौन इफेक्ट करता है बच्चों? मार्केटिंग ही इफेक्ट करता है। मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग क्या है? कैलेंडर और डायरी में जो प्रचार होता है वो मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग के अंतर्गत आता है। एडवर्टाइजिंग क्या है बच्चों? इन्वेस्टमेंट है। कॉस्टली मतलब महंगा एडवर्टाइजिंग क्या है? पर्सनल सेलिंग, व्यक्तिगत विक्रय। द एडवांटेज ऑफ मार्केटिंग इज टू, सब के लिए एडवर्टाइजिंग मतलब एडवांटेज है, कस्टमर के लिए भी, बिजनेसमैन के लिए भी और मैन्युफैक्चरर के लिए भी। नेक्स्ट बच्चों, मार्केटिंग मिक्स डजंट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं बच्चों? कंज्यूमर का प्रोटेक्शन। विच आर नॉट एन एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ठीक है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में प्रमोशन मिक्स नहीं होता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब पास हुआ था बच्चों? 1986 में। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब इफेक्टिव हुआ था इंडिया में? 15 अप्रैल 1987 को। द डिस्प्यूट कम्स अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्टेड, किस प्रकार का डिस्प्यूट आता है? द सेल्स ऑफ डिफेक्टिव गुड्स बाय सेलर, अगर विक्रेता के द्वारा किसी प्रकार का खराब सामान बेच दिया जाता है उस प्रकार का डिस्प्यूट आता है। नेशन कमीशन कैन सेटल, क्या सेटल करता है? एबव 1 करोड़, 1 करोड़ तक का, 1 करोड़ से ज़्यादा रहेगा तो नेशन कमीशन डिस्प्यूट को सेटल करेगा, और स्टेट कमीशन 20 लाख, एबव 20 लाख और डिस्ट्रिक्ट अप टू 20 लाख ना। इसके बाद मशीनरी फॉर सेटलमेंट ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट इज 3 टायर। इन इंडिया जो है, इंडिया में एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम इज नेसेसरी। इन इंडिया एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम हैज बीन नीड टू इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट का जरूरत है बच्चों। तो आज का वीडियो यहीं तक का था, आप लोग यहां तक देखे, थैंक्स फॉर वाचिंग, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर बच्चों। चलिए बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को यहां तक देखने के लिए। आप लोग को बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन। तो चलिए मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो।